ना कुटुंब सभ्युलारा, तेलंगाना के पास टर्मरिक है, तेलंगाना के पास टैलेंट है, तेलंगाना के पास ट्रेडिशन है, तेलंगाना के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन सब के बावजूद तेलंगाना के सामर्थ्य को बीआरएस के कुशासन और करप्शन के कारण अपना उचित स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन अब समय बदल रहा है। बीजेपी पर आप सभी का बढ़ता विश्वास तेलंगाना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन आपको कांग्रेस और बीआरएस से उतना ही सतर्क भी रहना है। कांग्रेस और बीआरएस के लोग यहां लगातार झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। ये जो बाहर बोल रहे हैं ना, वो तो ड्रामेबाजी है। और आप इतिहास खोल करके देख लीजिए, इनका रिश्ता तो 40-50 साल पुराना है। मैं आपको याद दिलाता हूं, केसीआर ने अपनी राजनीति की शुरुआत किस पॉलिटिकल पार्टी से की थी? कांग्रेस। किस पार्टी ने उन्हें 2004 में दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया? कांग्रेस। जब तेलंगाना बना तो वो किस पार्टी के नेताओं के पास गए? कांग्रेस। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ बीआरएस ने किस पार्टी का समर्थन किया? कांग्रेस। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये किस पार्टी के साथ गए? कांग्रेस। अरे इतना ही नहीं, हमारी सरकार के खिलाफ कुछ दिन पहले जो पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आया, तो ये बीआरएस ने किसको साथ दिया? कांग्रेस। तो इनका असली दोस्त कौन है? इनकी मिलीभगत किससे है? उनका नाता किससे है? और तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, ये भी याद रखिए, मैं अब भाजपा की पहचान बताता हूं आपको। आप याद कीजिए वो कौन सी पार्टी थी इन्हें हुजराबाद में हराया? बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया? बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए? बीजेपी। और इसलिए ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? बीजेपी से। दोनों डरते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे। आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है।
आपके विश्वास को तोड़ा है, इसलिए तब आपने बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है।